उरुस और अशार की तख्ती का ये मतलब पार्ट टू है। इसके अंदर हमने क्या देखा था पहले के, ये सब सबब और वतद देखा था, अरकान देखे थे। उसके बाद में जो हमने देखा था कि इसमें कितने होते हैं टोटल, 7 अरकान, फौलन पायलन, फिर उसी तरह से सत हुरफी जो होते हैं मुस्तफलिन के, मतलब 7 हुरफी अल्पास, 5 हुरफी अरपास और 2 और 3 का हमने जिक्र देखा है, जिसमें जब शेर होता है तो उसमें क्या कहते हैं अस्माए बहुर के नाम दिए गए हैं, कि मतलब क्या होता है कि कभी कभार किसी शेर में 20 वजन आया है किसी में, मतलब ऐसा 5 5 करके 20, 5 4 20 रिपीटेशन, तो जो मुसम्मिन सालिम है तो ये कभी कभार रिपीटेशन वाले जो चीजें होंगी, जैसे फौलन की तरतीब कितनी बार रिपीट हुई, मुस्तालिन की कितनी बार रिपीट हुई, तो ये रिपीट होने वाली चीजों को कहते हैं। अगर मुसम्मिन सालिम रिपीट मुस्तफलिन हो रहा है रिपीट, तो उसे कहेंगे बहरे रजस। अगर मुफाइलिन रिपीट हो रहा है तो बहरे हजस, वो तो फाइलिन रिपीट हो रहा है तो बहरे कामिल, बहरे और ये रमल ऐसा कुछ तो भी है, तो फाइल फाइलाइन इस तरह से। और फौलन अगर रिपीट होता है तो बहरे मुतफारिब, बहरे मुतदारिक फाइलन रिपीट होने लगे। अब देखिए 7 जो चीजें हैं वो हमने देख ली है। उसके बाद देखिए बहरे खफीफ कब होता है, फाइलतन मुस्तफलन और फाइलन, ये तीनों मुसद्दसी मुस्तमिल होती है, मतलब इनकी जोड़ी आना बार बार रिपीटेशन। उसी तरह से बहरे सरी की बात करें तो मुस्तफलिन 2 बार और मफूआला ये आ जाता है, तो ये मुसद्दस में इस्तेमाल होती है। फिर देखिए उसी तरह से नवाब टाइप होता है बहरे मुबहस, जिसको कहते हैं वो होता है मुस्तफलिन पायलतन और मुस्तफलिन फायलतन, मतलब दोनों की एक एक बार जोड़ी बहरे मुबहस, क्योंकि बहस के मुतालिक बात की जा रही है तो बहस से क्या बन गया, मुबहस हो गया, मुबहस इस तरह से। तो दोनों की वो होता है कभी कभार शेर में ऐसा बार बार जो रिपीटेशन होता है। उसी तरह से बहरे मजारे की अगर बात करें तो मुफाइलिन पायलतन और मुफाइलिन पायलतन, इन दोनों का अगर जो आता है तो वो कहते हैं बहरे मजारे। बहरे मुनसरिफ की अगर बात करें तो मुस्तफलिन मफूलात मुस्तफलिन फिर मफूलात, ये दो की जोड़ी को कह दिया जाएगा बहरे मुनसरिफ। अब हम देखते हैं ज़िहाफ की क्या होता है, कि उर्स की इस्तेलाह में यानी कि उसके करेक्टेस करेक्ट जो करते हैं करेक्टेस में, ज़िहाफ इस तगैयुर को कहते हैं, तगैयुर यानी क्या होता है तब्दीली, तो उस तब्दीली को कहेंगे जो शेर के रुकन या अरकान में होता है, शेर के रुकन या अरकान में। अरकान अगर अशार में असल सूरत में अगर होते हैं, अरकान क्या होते हैं अशार में अगर असल सूरत में होते हैं तो बहर को सालिम कह दिया जाता है। क्या होता है अगर असल सूरत में हो तो सालिम, तो बहर को क्या कह दिया जाएगा सालिम, तो बहरे सालिम यहाँ पर हो गया, जिसमें मुसम्मिन मतलब क्या होता है कि फिक्स या रिपीटेशन वाली चीज हो जाती है, रिपीटेशन वाली, तो यहाँ पर क्या हो गया बहरे ज़िहाफ की बात चढ़ी, तो यहाँ पर ज़िहाफ में बहर को क्या कहेंगे सालिम, और ये क्या होगा असल सूरत में हो तो। और अगर किसी अरकान या अरकान में तगैर हो तो उसे क्या कहेंगे मुजाहिब, मुजाहिब में क्या होता है कि ज़िहाफ वाली चीज होती है, और ज़िहाफ से मुराद क्या होता है अरकान में टोटल 14 सूरतें पैदा हो जाती है, और ज़िहाफ की भी 3 सूरतें होती है। जब हम ज़िहाफ पढ़ रहे हैं तो उसके भी 3 टाइप्स है। पहला है कि इजाफे वाला, किसी हर्फ की ज्यादती हो जाना ये इजाफा हो गया। दूसरा कमी हो जाना, या एक हर्फ से जायद हर्फों को गिरा देना ये कमी हो जाता है। और तीसरा साकिन हर्फ को मुतहरिक कर देना, जो साकिन था आपने उसको पढ़ लिया, जैसे कि जज्ब था आपने उसको जज्ब कह दिया। कभी कभार शेर ऐसे आते हैं कि उसमें जैसे कि कुछ चीजें ऐसे होती है कि जिसमें आप नफ्स नफ्स ऐसा आ रहा है, जब आप शेर पढ़ रहे होते हैं कि नफ्स नफ्स, तो वो थोड़ा मैच नहीं होता, तो आप क्या कहते थे उसको नफस नफस, जज़्ब इस तरह से। तो ये चीजें क्या हो रही कि आप हरूफ को मुतहरिक कर दे रहे साकिन को भी, तो ये 3 चीजें ज़िहाफ की हो गई, कि ज़िहाफ मतलब क्या हो गया उसकी इस्तेलाह करना, इसकी तब्दीली शेर के रुकन में हो, अगर असल सूरत में तो बहरे सालिम, और अगर तगैर हो तो मुजाहिब, और मुजाहिब के 14 सूरतें पैदा होती है, और कौन कौन से इजाफा कमी है साकिन को मुतहरिक करना, या तो कम कर देंगे आप, जैसा मिसाल के तौर पे कुर्बान है तो आपने इसको कुर्बा कर दिया तो आपने इसको थोड़ा कमी कर दी, उन्होंने गुन्ना लगा दिया, इजाफा कर दिया तो जबरदस्ती आपने कोई चीज को जहां पर नहीं बैठता हो तो वहां पर कोई चीज इजाफा कर दिया, ये चीज है। तख्ती की अगर बात करें तो तख्ती मतलब शेर का मौजू होना, अक्सर हमें क्या होता है तख्ती लिखने पर, तख्ती जो बोर्ड वाली होती है ब्लैक बोर्ड वाली वो दिमाग में आता है, लेकिन ये तख्ती मतलब तख्ती
तफ्ती करने से मुराद है शेर की तख्ती होती है, कि जिसमें क्या हो जाएगा कि शेर का मौजू होना होता है और गैर मौजू होना तख्ती ही से मालूम होता है कि मौजू है या नहीं। शेर के अज्जा को बहर के अरकान पर वजन करने का नाम तख्ती कहलाता है, कि हम जो वजन करते हैं, जैसे कि कोई चीज आ गई, आपने उसे क्या किया, फल फ्रूट लिया तो उसको कांटे पर वजन कर लिया, तो वो उसका वजन करना होगा। लेकिन आप अरकान को जब करते हैं वजन करने का नाम, उसको तख्ती कहलाता है। तख्ती के माने होते हैं पारा पारा करना, क्योंकि अरकान है बहर से हम वजन करने के लिए शेर के अल्फाज को टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। तख्ती में क्या होता है, साकिन के मुकाबिल यानी कि उसके अपोजिट में साकिन और मुतहरिक वाक्य होना जरूरी होता है। तख्ती में क्या होता है, जो साकिन होता है उसके मुकाबिल, उसके अपोजिट में, उसके बरक्स साकिन और मुतहरिक वाक्य होना जरूरी होता है, ख्वाह अल्फाज कलमात साबित रहे या ना रहे, यानी मुकम्मिल रहे या ना रहे। तख्ती करते वक्त में उन्हीं हरूफ को गिना जाता है जो जुबान से पूरी तरह अदा होते हैं। जो हरूफ खुसूसन हरूफ इल्लत कौन से, अलिफ छोटी है और वाव, ये दब जाते हैं, उन्हें तख्ती में शामिल नहीं किया जाता है। फिर जो दब जाते हैं तो क्या करते हैं, तख्ती जब कर रहे होते हैं तो उन्हीं हरूफ को गिना जाता है जो जुबान से पूरी तरह अदा हो रहे हैं, लेकिन अगर जो कम हो रहे हैं तो उन्हें तख्ती में शामिल नहीं किया जा रहा। बाज औकात आरा को, जैसे कि कभी कभार कैसे फ्रूट ले रहे हैं तो कुछ कुछ मुकम्मल तौर से अच्छा फ्रूट नहीं है, तो उसने जायद करके डाल दिया, उसको बोला कांटे में नहीं लगाया मैंने, मतलब ये थोड़ा सा मैं ऊपर से डाल रहा हूँ इस तरह, तो वो चीज़ें तख्ती में शामिल नहीं होते और फिर लत जो दबते। बाज औकात ऐसा भी होता है कि आरा को खींच कर अदा किया जाता है। आप क्या करते हैं, खींच कर अदा करते हैं, खुसूसन इजाफत के जेर को, तो इजाफत के जेर को खींचेंगे तो उसे एक हरूफ शुमार करके तख्ती में शामिल किया जाता है। नूने गुन्ना को तख्ती में शामिल नहीं किया जाता, नूने गुन्ना को। मिसाल एक लेते हैं इसके, मिसालें इजाफत के जेर और नूने गुन्ना शुमार करके ये याद रखना है। बहरे मुतकारिब मुसम्मिन सालिम, ये हमने कहाँ पर देखा था, बहरे मुतकारिब, ये देखिए पांचवा है, बहरे मुतकारिब फौलन वाला, तो फौलन की हम तख्ती देखेंगे, उसके नाम दिए हुए, तो आपने पांचवा फौलन याद रख लेना है। जब भी बहरे मुतकारिब आ जाए तो बहरे मुतकारिब मुसम्मिन सालिम शेर के दोनों मिसरों में रुकन फौलन की 8 बार तकरार हो रही है, तो मुसम्मिन सालिम क्या हो गया, टकराव, ये रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ वर्ड, और फौलन के वजन पर रिपीट हो रहा है, तो फौलन के वजन पर जो रिपीट हो रहा है तो उसको कह रहे बहरे मुतकारिब, उसका वजन ऐसा है फौलन को आपने 4 बार लिख दिया, 4 5 20 हो गई है। अब शेर देखिए तुझी को, तो तुझी में 3 हो गए, फौलन के बेस पे आ गया तुझी, फौलन में जो या, तुझी को जोया, अब जोया देखिए मिलकर नहीं था लेकिन टोटल वर्ड लिखे गए, एक दो दो मतलब 5 की जोड़ी, एक दो दो, और इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4, और पांचवा जो ये है इस तरह, जो या जलवा परो परमा न देखा, ये एक लिख दिया आपने फौलन के उसमें। अब जलवा परमा क्यों लिख दिया आपने, 1 2 3 4 5 छः 7, हाँ 7, हाँ तो 7 रहते हैं फौलन के हिसाब से, पढ़े थे 5 और 2 इस तरह से 7 होते, इस वजह से ना देखा, तो आपने इसको इसमें रख दिया है। अब देखते हैं बराबर है दुनिया को देखा ना देख, तो जलवा का ये हो गया 3 और 1 है 4 5 6 7 8, तो ये 8 पढ़ने में आ रहा है फौलन में, तो इसको क्यों रखा है फौलन में, 1 2 3 4 5, ये 5 थे। अब देखिए को देखा देखते तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या, नहीं हाँ तो हुरूफ इल्लत को जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि आप उसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं मतलब डायरेक्टली, तो उस वजह से क्या होगा कि हुरूफ इल्लत में जो इसको नूने गुन्ना को भी शामिल नहीं करते हम, और उसी तरह से हुरूफ इल्लत के जो है दब जाते हैं तख्ती में शामिल नहीं होते, इस वजह से वो ज्यादा दिखेंगे हमें, तो इस वजह से ये तख्ती हो गई इसकी 1 2 2 वाली। अब देखिए तुझी को, अब इसको अब ब्रेक कर रहे हैं आप, तो अब ब्रेक करके देखेंगे, जो आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि ज्यादा आ रहे हो, तो आपने क्या लिया उसमें से वो देखना है। जैसे आप चिकन वगैरह आप लेने जा रहे हैं मछली, तो उसको वो मतलब काट कर जब देता है तो खराब चीजें निकाल लेता है, तो उस वजह से अब इसके जब टुकड़े कर रहे हैं, अब मुर्गी ज्यादा किलो की बढ़ती है
लेकिन बोझ कम बैठेंगे, उस तरह की मिसाल है। तो तुझी को मैं इससे क्या लिया, आपने तो लिया तू, तो तुझी का तो आ गया, और जी को ये आपने चार ले लिया, तो क्या आ गया, पवुलन को आपने आधा कर दिया, और फिर जोया को जोया जल, तो जोया और जलवा फर्मा के जल को इधर ला लिया, क्योंकि अब फिट नहीं हो पा रहा था। जोया को तो आपने लिखा था लेकिन फिट नहीं हुआ, तो जोया में क्या हुआ, जिम और वाव, क्योंकि इल्लत था। नहीं, पहले वाला क्या था, इल्लत, हुरूफ पे इल्लत दब गया तो वो बन गया पेश, तो जो एक हुरूफ काउंट हुआ, फिर यह हो गया। अब उन्होंने बोलना हटा, ये भी हटा दिया गया, अब जल ये पूरा जलवा का, फिर अब यहां से है वो वाव, हे को भी हटा दिया गया, पर माँ, तो अब ये पांच की कसौटी पर बैठा, ना देखा इस तरह से, ना देखा, तो हुरूफ इल्लत को ऐसे दबेगा, तुझी में ऐसे दबा, अब देखिए फॉलन की बेस पे आ गया। अब उसके नीचे जो था बराबर, ये कैसा बैठा, बराबर है, तो बड़ी ये क्या आ गया, छोटी ये हुरूफ इल्लत था तो दब गया। दुनिया, हुरूफ इल्लत अब यहाँ पर भी तो था, लेकिन ये क्यों नहीं दबा, क्योंकि वो तब्ती की सबसे पहले ज्यादा तख्ती के तो हिसाब से वहां पर वो एक्स्ट्रा वर्ड फिट था। आगे तो हाँ, पड़े। अलिफ के साथ था डायरेक्ट, इस वजह से हो देखा, तो अब हो में वाव था तो हुरूफ इल्लत ही दब गया, और देखा ना देखा तो इसमें हे हट गया, और देखा इस तरह से, तो तख्ती की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो लोगों ने पहले किया हुआ है BA में 11वीं 12वीं उस तरह से भी, तो उसको पढ़ना है। अब देखिए दूसरा देखते, बजज बहरे हजज मुसम्मन सालिम। अब बहरे हजज किसका नाम था, हजज मुसम्मन सालिम, हम देखते ऊपर हजज था मुफाइलिन का नाम, तो मुफाइलिन को हम लेकर आते, तो मुफाइलिन की तर्ज पर रिपीटेशन आएंगे, मुझे दिल की खता पर या शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। तो अब इसकी तख्ती कैसी बनेगी कि मुफाइलिन की तर्ज पर लिखना है, मुझे दिल की खता पर, हाँ हाँ इस तरह से, या शर्माना नहीं आता, तो इसको भी हमने अलग अलग कर दिया, और जैसे हमने पहला किया था तो उसी तरह से पूरा लिख दिया। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपको प्रैक्टिस करना है। आप देखते हैं शेर, शेर क्या होता है, शेर वो कलाम है जिसमें लफ्जों की खास तरतीब और मौजू नियत होती है, और इसलिए लय नगमगी आहंग और असर पैदा होता है। हर शेर के दो हिस्से होते हैं, हर हिस्से को मिसरा कहलाता है, पहले मिसरे को मिसरे अवला और दूसरे को मिसरे सानी कहते हैं। पहला मिसरा क्या हो गया इसमें, उला है जिस तजु के खूब से खूब तर, कहाँ ये मिसरे उला हो गया, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ, फिर मिसरे सानी हो गया। रेख्ता की अगर बात करें तो रेख्ते के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था, पढ़ते फिरे ये गलियों में इन रेख्तों को लोग, मुद्दत रहेगी याद ये बातें हमारी यहाँ। तो रेख्ता वो बेसाख्ता कलाम है। अब देखिए हमारी कहने में या लगा दिया जोड़कर, जिसमें मुख्तलिफ बोली अल्फाज के शामिल होते, दरअसल रेख्ता इमारत साजी के चूने गारे को कहते हैं, कि रेख्ता किसको कहते हैं, इमारत के चूने गारे को, जो मुख्तलिफ चीजों का आमेजा होता है, इसलिए मिली जुली जुबान में की गई शायरी का नाम क्या हो जाता है, रेख्ता पड़ जाता है। खुसूसन गजल अपनी इब्तदाई शक्ल में रेख्ता कहलाती थी, ये लफ्ज गालिब और हाली के जमाने तक राइज रहा, औरतों की बोली में जो शायरी होती थी उसे रेख्ती कहते थे, औरतों की बोली में इस तरह से। हाँ, और ये रेख्ता कहाँ से बना, इमारत साजी के चूने गारे को कहते हैं, क्योंकि इसके जुज का आमेजा होता है, बोलिया जैसे ये बातें हमारी यहाँ ऐसे, तो ये हमारी हमेशा हम पढ़ते हैं हमारी यहाँ बातें, तो इस तरह से, तो ये रेख्ता में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे नज़्म।